हुआ सम्मान बेटो, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। मित्रों जय श्री राम। क्या? अच्छा अच्छा मित्रों अब हिंदू जाग गया है। जय श्री राम। क्या रावण? अच्छा अच्छा जय रावण का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हाँ ये सैफ अली खान जो है रावण बन करके रावण को मतलब बदनाम कर रहा है, ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आखिरकार रावण हमारा क्या लगता था? हाँ रावण हमारा कुछ तो लगता ही था ना। लेकिन यार वो रावण ने तो सीता मैया का हरण किया था, राक्षस था रावण। अच्छा वो सब बात अलग है। हाँ देखो वो सब बात अलग है। अब रावण का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सैफ अली खान तुम मतलब रावण बनोगे, तुम अपमान करोगे रावण बन करके। आखिरकार रावण का हमारा क्या संबंध? अच्छा अच्छा हाँ तो रावण का हमारा जो संबंध था वो मतलब जैसे हमारे देश में अमृत काल चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और रावण की नाभि में अमृत था, तो अमृत से अमृत अगर जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो मोदी जी ने सोच के ही अमृत काल चलाया है, समझे? अब हिंदू जाग गया है, अमृत सब समझने लगा है। सैफ अली खान रावण का अपमान करोगे? ये अब हिंदू जो है ये नए तरीके का हिंदू है, रावण का भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, कंस का भी अपमान, पूतना का, सूपनखा का, किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, समझे? नहीं ठीक है लाख है रावण में बुराई थी, बहुत बुरा था रावण, राक्षस था, बहुत गलत काम किए थे। तो क्या हुआ इसे हमारे यहाँ बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको भी तो रिहा किया ना, हार फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया, समझे? हाँ तो अब ये नए ज़माने के बीजेपी वाले हिंदू हैं ये सब। हाँ रावण, अरे यार रावण मतलब था ऐसे तो नाथूराम गोडसे भी हत्यारा था, गोली मारी थी उसने, है? लेकिन फिर भी उसको देखो हार फूल माला पहनाते हैं, उसकी जय जयकार पूजा सब करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे जैसे बिल्किस बानो के रेपिस्ट वो हिंदू थे, है? संस्कारी ब्राह्मण थे। अरे हम थोड़ी कह रहे हैं यार, वो मंत्री जी ने कहा था। हाँ मंत्री जी ने कहा था ना कि संस्कारी ब्राह्मण है तो उनको रिहा कर दिया गया। ऐसे नाथूराम गोडसे भी संस्कारी, देखो ये बलात्कारी होना, मर्डर होना और ये सब गलत, वो सब अपनी जगह पर है, समझ गए? लेकिन हिंदू चीज़ें ये बीजेपी ये सब अपनी जगह पर है, हाँ ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे कि नहीं समझे? सैफ अली खान रावण बनेगा, रावण को बदनाम करेगा सैफ अली खान, जिहादी। ठीक है इसे वीर सावरकर कर जाने दो, माफी आफी मांगी थी हाँ अंग्रेजों से ना तो चीज़ें, हाँ तो भी वो तो महान है ना हमारे लिए, तो ये सब अब जमाना बदल चुका है। रावण कंस ये बिल्किस बानो के रेपिस्ट ये सब लोग ये सब महान है, इनके बारे में सवाल नहीं करने का। सैफ अली खान रावण बन करके बदनामी करेगा है? आज सैफ अली खान रावण बने हो, अब कल को जरूरत पड़ेगी सूपनखा की तो तुम्हारी बहन वो जो क्या नाम है सोहाली, हाँ सोहाली वो सूपनखा बनेगी, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे? हमारी वो जो वीरांगना वो जो कंगना है वो क्या करेगी फिर? उसका हक नहीं बनता है पहले कि वो सूपनखा बने? हाँ तो ये सब अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब हिंदू अब जाग चुका है, समझे? तो अच्छा हैप्पी दशहरा। हाँ तो आप सभी को हैप्पी दशहरा, बुराई पे अच्छाई की जीत का ये दिवस आप लोगों को हाँ बहुत बहुत मुबारक, मुबारक नहीं अच्छा शुभकामनाएँ, हाँ शुभकामनाएँ आप लोगों को। और शाम को हम लोग रामलीला मैदान में,
रामलीला मैदान में हम लोग शाम को मिलते हैं, रावण जलाएंगे हैं, और शाम से रावण को जला करके हम लोग दशहरा मनाएंगे। अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर रावण का अपमान भी नहीं सहेंगे और शाम को रावण को जला के दशहरा भी मनाएंगे, और यार ये चल क्या रहा है यार, ये नॉर्मल हिंदू मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ जय श्री राम, हाँ हर हर मोदी, अब ठीक है ना, मतलब है ना, हाँ नहीं मान लिया इन लोगों ने, अब ठीक है, हैप्पी दशहरा। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।